उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भर्ती की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। 68,500 शिक्षक भर्ती की हरी झंडी मिलने के बाद परीक्षा में पास हुए 41,556 अभ्यर्थियों की आज से काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन जो सूची जारी की गई उसमें 34,660 ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ। वहीं बचे हुए अभ्यर्थियों ने आरक्षण की वजह से नाम हटाए जाने का आरोप लगाते हुए निषादगंज स्थित SCERT कार्यालय का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यालय पर प्रदर्शन कर शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षण के चलते जनरल कैटेगरी के 5,696 अभ्यर्थियों को सूची से हटा दिया गया है। वहीं जो सूची जारी की गई है उसमें 34,660 अभ्यर्थियों का ही नाम आया है, जिसमें 5,696 जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आरक्षण के चलते सूची से बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थी अब अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर SCERT कार्यालय पर धरना देने पहुंच गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि अगर आदेश जारी नहीं किया जाएगा तो वो धरने पर बैठे रहेंगे और ये धरना निरंतर जारी रहने वाला है। जनरल वालों के साथ क्यों होता है? पिछली बार 12,000 में भी यही हुआ, जनरल की सीटों में भी कहा जाता है कि जनरल को ही मिलेंगे, उसके बाद भी फाइट होने के बाद SC ST OBC को भर दिया जाता है और इस बार भी वही हुआ। और पहले प्रभात कुमार जी ने यह आश्वासन दिया था कि जो जनरल की सीट है वो जनरल की रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंकुश पाल, जनमत न्यूज़।